हेलो स्टूडेंट्स दिस इज वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द एज ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर की मदद से हमने थोड़ा सा हमारी जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखा था और हमने पढ़ा कि जो फेस एक हैंडमेड गुड से टेक्नोलॉजिकल गुड की तरफ चला गया उस फेस को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस के नाम से जानते हैं आज के लेक्चर में हम देखेंगे बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम आज की लेक्चर में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की फेस को यू नो कवर करेंगे जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टूडेंट्स uh, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो हाँ ये दो वर्ड बन जाते हैं ठीक है एक है प्रोटो और दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोटो मींस इनिशियल प्रोटो मीन्स इनिशियल एंड इंडस्ट्रलाइजेशन मीन्स द ट्रांजेक्शन ऑफ द पीरियड फ्राम हैंड मेड गुड्स टू मशीन या टेक्नोलॉजिकल गुड्स उस फेज को हम क्या कहेंगे उस फेज़ को हम इंडस्ट्रलाइजेशन का फेज इंडस्ट्रलाइजेशन फेज का नाम दे देते हैं हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोटो इंडस्ट्रलाइजेशन और इसके फीचर्स के बारे में Even before factories began to do the landscape in England and Europe there was a large scale of production for an international market and was not based on factories. Historians refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. <laughs> Uh, जो कि इंडस्ट्रलाइजेशन uh, से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बड़े पैमाने पर सेल किए जाते थे उस फेज़ को हम क्या नाम देते हैं उस फेज़ को बहुत सारे हिस्टोरियंस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं यानी इंडस्ट्रलाइजेशन से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर गुड्स सेल किए जाते थे बट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज़ बट बेस्ड ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उस फेज को हम क्या नाम देते हैं उस फेज़ को हम प्रोटो इंडस्ट्रलाइजेशन यानी द इनिशियल पीरियड ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन इंडस्ट्रलाइजेशन से पहले की पीरियड अब क्वेश्चन आता है कि इस पीरियड में क्या था फिर इस पीरियड में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो कौन कंट्रोल करते थे क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है उसको कौन कंट्रोल करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन तो उस समय अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंटरनेशनल मार्केट के लिए अगर गुड्स सेल किए जाते थे तो क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल कौन करता था और इसमें किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते थे ए क्लोज रिलेशनशिप डिवेलप टीवी टाउन एंड कंट्री साइट इसमें हमें सबसे बड़ा एक क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिला अमांक टाउन एंड द कंट्री साइट इट वॉज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज ये क्या था इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज किए जाते थे एंड इट वॉज कंट्रोल्ड बाई मास्टर्स एंड द गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाई वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स working within their family farms and not in factories. Usually क्या होता था students की जो merchants होते थे merchants इस आ, usually इन चीजों को इन productions को controlled करते थे और merchants international market के लिए sell किया जाता था तो इसमें क्वेश्चन आता है तो कैसे होता कैसे था ये सारे प्रोसेस तो इसमें सबसे पहले क्या होता था सबसे पहले जो मर्चेंट्स थे वो आते थे मर्चेंट्स आने के बाद ये लोग क्या करते थे जो कंट्री साइड एरिया है जो रूरल एरियाज हैं उस एरियास में जाकर जो भी प्रोडक्शन करते, करते थे चीज़ों की उनको एडवांस में पे करते थे एडवांस में पे करता था तो समहाव ये लोग क्या करते थे इसके बाद वो चीज़ें बनाता था और बाद में आकर वही मर्चेंट्स वहाँ से चीज़ों को ले जाकर सेल करते थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए इससे जो रूरल एरिया है उस और जो मर्चेंट्स हैं इनके बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप डेवलप देखने को मिला और क्वेश्चन आता है कि आखिर ये होता कैसे था एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू टू फिफ्टीन वर्कर्स वेअर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट और कहा जाता है कि हर मर्चेंट्स 20 से 25 वर्कर जो है रखते थे अपने साथ मतलब काम के लिए एम्प्लॉय बनाता था और वही लोग यूजुअली काम करते थे उन चीज़ों के लिए तो सम समहाओ क्या करता था कि ये जो प्रोसेस uh, है इसमें मर्चेंट्स आते थे यूजुअली और मर्चेंट्स आने के बाद एडवांस में जो रूरल एरियास है उस रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको एडवांस में पे करते थे वो चीज़ों को प्रोड्यूस करता था और इसके बाद मर्चेंट्स आकर वही चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट के लिए सेल किए जाते थे उस फेज़ को हम क्या कहते हैं उस फेज़ को हम प्रोटो इंडस्ट्रलाइजेशन कहते हैं यानी इंडस्ट्रलाइजेशन से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीज़ें प्रोडक्शन होता था बड़े पैमाने पर बट दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज़ और इसीलिए हम उस फेज़ को क्या कहते हैं उस फेज़ को प्रोटो इंडस्ट्रलाइजेशन का नाम दे देते दे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था कि स्टूडेंट्स की ऐसा कि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं था एक अच्छा रिलेशनशिप था बिटवीन द मर्चेंट्स टाउन्स इन द कंट्री साइड हमें कहीं कही ना कहीं एक ख़ास रिलेशनशिप देखने को मिलता है इनके बीच में अब क्वेश्चन आता है कि आखिर जो मर्चेंट्स जो रूरल एरियाज़ में जो लोग थे वो कैसे तैयार हुआ मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए ऐसे क्यों वो तैयार हुए क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वो लोग काम क्यों करते थे आ, उन मर्चेंट्स के लिए तो अब हम लोगों ने जो क्लास नाइन्थ के चैप्टर है जो चैप्टर फोर है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा आ, जो ब्रिटिश लॉस जिस जो कि डेंड्रिक बैंडस को लाए थे और उन्होंने बहुत सारे लॉस को इम्पोज किए तो फॉरेस्ट को बहुत सारे कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया और जिससे जो ट्राइबल लोग हैं जो पीजें हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा तो उसमें क्या थे पहले एक लाइन ओपन सिस्टम हुआ करता था जिसमें कोई भी जाकर कहीं पर किसी भी टाइम जो है चीज़ों को उगा सकते थे और चीज़ें ग्रेस कर सकता था और अपनी चीज़ों को कल्टिवेट कर सकते थे लेकिन जब ब्रिटिशर्स आया तो उन्होंने इन सारे चीज़ों को इनकलोज कर दिया गया तो वो जो पहले जो एक ओपन लाइन सिस्टम था वो ख़त्म हुए तो ये जो पहले जो कल्टीवेट करता था वो फार्म्स जो है अब खत्म होने लगा तो इनके पास ऐसा नहीं था कि जमीन नहीं था जमीन थे बट छोटे छोटे जमीन था जिससे उनकी नेसेसिटीज पूरा नहीं हो पाते थे तो वो सम एक तो छोटे छोटे खेत थे उससे भी थोड़ा बहुत आ जाता था और ये लोग थोड़ा काम किसके लिए भी करते थे इन मार्च के लिए भी करता था चीजें बनाने के लिए और एक क्वेश्चन आता है कि मार्च क्यों कंट्री साइड चलेगा आखिर वो जो टाउन एरियास है या जो सिटी एरियास है उनमें क्यों नहीं चले गए तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम आने वाले जो हमारे लेक्चर्स से उन लेक्चर्स में स्टूडेंट्स कवर करेंगे ठीक है to up is part of the phase before the age of industrialization was known as the proto-industrialization because the factories began to do the landscape in england and europe. there was large production for international market, which was not based on factories. and most of the historians refer this phase of industrialization is known as the proto-industrialization, yani, industrialization, इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीज़ों के प्रोडक्शन होता था बड़े पैमाने पर और ये फैक्ट्रीज पर बेस्ड नहीं था इसीलिए इस फेस को क्या कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं अगर आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट कुछ भी रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपनी क्वेरीज बता सकते हैं और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं क्वेरीज़ बिल्कुल हमें बता सकते हैं थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय एंड हैड अ गुड डे